बाबा हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आप ही की कंपनी रुचि सोया का 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकार राइट ऑफ कर रही है। बाबा आप पीएम केयर में पैसा देते हो, बहुत अच्छी बात है, पर बैंकों को भी उनका जो ईएमआई है, उनका ब्याज है, सही समय पर भुगतान करवा दीजिए बाबा। नमस्कार साथियों, अभी एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि भारत के बैंकों ने 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। इस संदर्भ में मेरे सरकार से चार सवाल है। मेरा पहला सवाल यह है कि जब भी कोई बैंक राइट ऑफ करता है तो राइट ऑफ कहाँ से होगा? उसके मुनाफे में से होगा, उसके रिजर्व्स में से होगा, उसके कैपिटल में से होगा। राइट ऑफ के बाद कैपिटल कम हो जाएगी तो बैंकों को वापस पूंजीकृत करना पड़ेगा। वो पूंजी सरकार कहां से डालेगी? आपके ऊपर, मेरे ऊपर नई जीएसटी की दर लगा के, हमारे ऊपर नए आयकर की नई दर लगा के, और तो कोई स्रोत है नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब भी बैंक कोई ऋण को राइट ऑफ करेगा तो उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस और शुद्ध मुनाफा कम होगा, और शुद्ध मुनाफा कम होगा अगर बैंक का, तो बैंक सरकार को डिविडेंड नहीं दे पाएगी, और अगर सरकार को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो राजस्व कहां से कंपनसेट करेगी सरकार? आपके ऊपर, मेरे ऊपर नई जीएसटी लगा के, नए नए प्रकार के टैक्सेस लगा के। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, जब से लेके आज तक 6,66,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ हुआ है, इसमें से क्या 1 रुपए का राइट ऑफ भी किसान का हुआ है? इसमें से क्या 1 रुपए का राइट ऑफ भी छोटे दुकानदार का हुआ है, एमएसएमई के उद्यमी का हुआ है? नहीं हुआ है। हुआ है तो मुझे बताइए। और मेरा चौथा सवाल बाबा रामदेव जी से है। बाबा हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आप ही की कंपनी रुचि सोया का 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकार राइट ऑफ कर रही है। बाबा आप पीएम केयर में पैसा देते हो, बहुत अच्छी बात है, पर बैंकों को भी उनका जो ईएमआई है, उनका ब्याज है, सही समय पर भुगतान करवा दीजिए बाबा, ताकि राइट ऑफ ना होना पड़े। क्योंकि राइट ऑफ अगर वो ऋण हो गया तो अल्टीमेटली उसका भार हम जैसे मध्यम आय वर्गीय लोगों पर, जो कर देते हैं, जो जीएसटी देते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग, उन पर आएगा। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला, मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, जो पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।